हाय गाइस, शिवानी इस वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैल्शियम रिच फूड आइटम्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आपको कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी और ना ही आपको कभी भी कैल्शियम टैबलेट्स खाने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोजाना एक स्वस्थ व्यक्ति को 800 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको कैल्शियम रिच फूड आइटम्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करेंगे तो कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और रोजाना जितनी आपकी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। तो जब हम कैल्शियम रिच फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है तिल। तो चाहे आप सफेद तिल लीजिए या काले तिल लीजिए, दोनों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। जब हम बात करते हैं काले तिल की, तो 100 ग्राम काले तिल में 1664 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, और 100 ग्राम सफेद तिल में 1285 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और सफेद तिल को आप थोड़ा सा रोस्ट करके, यानी कि उसको थोड़ा सा भून के, जब वो ब्राउन हो जाए और उनका पाउडर बना के आप 1 से 1.5 चम्मच डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। या फिर आप इसकी चिक्की बनाकर भी खा सकते हैं, या आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं, और सफेद तिल की चटनी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आप चटनी के रूप में भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है जीरा, यानी कि क्यूमिन सीड्स। 100 ग्राम्स ऑफ क्यूमिन सीड्स में 878 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। आप जीरे का पानी बना के भी पी सकते हैं। आप पानी बॉईल कीजिए, उसमें 1 चम्मच जीरा डालिए और उसको अच्छे से उबलने दीजिए, फिर उसको आप थोड़ा सा ठंडा करके उसे पी सकते हैं। ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है और कैल्शियम तो इससे मिलता ही है। या फिर आप जीरा दही के साथ भी ले सकते हैं, यानी कि आप जीरा रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसको दही में डाल लीजिए, और आप अपने लंच के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरिएंडर सीड। 100 ग्राम कोरिएंडर सीड में 718 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है गाय के दूध का बना पनीर। 100 ग्राम पनीर में 476 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आप पनीर टिक्का या पनीर सैंडविच या फिर पनीर भुर्जी बना के खा सकते हैं। इसमें कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है मस्टर्ड सीड्स। 100 ग्राम मस्टर्ड सीड्स में 402 मिलीग्राम का कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है करी पत्ता। 100 ग्राम करी पत्ता में 659 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। जनरली हम करी पत्ता तड़के के रूप में यूज करते हैं। करी पत्ता वेट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प करता है, कैल्शियम के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है रागी। 100 ग्राम रागी में 364 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। रागी का आप रोटी बना के भी खा सकते हैं, चीला भी खा सकते हैं, और अपनी डाइट में हफ्ते में कम से कम 3 बार इसको दही में मिला के जरूर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। नेक्स्ट है अजवाइन। 100 ग्राम अजवाइन में 1034 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। खाने के बाद अजवाइन आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है और हमारा खाना डाइजेस्ट होने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है फेनुग्रीक लीव्स, यानी कि मेथी के पत्ते। 100 ग्राम मेथी के पत्तों में 274 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आप इन पत्तों को बॉइल करके इनका पानी बना के पी सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन में 240 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। सोयाबीन में सोलेबल फाइबर भी पाया जाता है, जो कि वेट लॉस में कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी हेल्प करता है, तो सोयाबीन आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट आता है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड। 100 ग्राम ऑफ फ्लैक्स सीड में 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आप फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के उसको दही में डालकर खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आलमंड, यानी कि बादाम। 100 ग्राम बादाम में 228 मिलीग्राम कैल्शियम होता है।
लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आलमंड आप ज्यादा अमाउंट में मत खाइए, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट आता है पालक। पालक भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और आयरन का। नेक्स्ट आता है कर्ड यानी कि दही। आप अपनी डाइट में लंच के टाइम दही जरूर लें, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पुदीना। 100 ग्राम पुदीने में 205 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पुदीने की चटनी बनाकर आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मोहितो बना के भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चना। 100 ग्राम चना में 105 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। साथ ही साथ ही बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन और फाइबर का। नेक्स्ट है हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स। 100 ग्राम्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स में 146 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। नेक्स्ट आता है मेथी के दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। 100 ग्राम मेथी के दानों में 135 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। क्योंकि मेथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है और साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आता है जैगरी। 100 ग्राम्स ऑफ जैगरी में 107 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आप खाने के बाद जैगरी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और आपका ब्लड भी क्लीन करता है। तो जब खाने के बाद आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप जैगरी आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट है गवार फली। 100 ग्राम गवार फली में 121 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट आता है मिल्क। 100 ग्राम्स ऑफ बफेलो मिल्क में 121 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और अगर आप काऊ मिल्क लेते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ काऊ मिल्क में 118 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है वॉलनट। 100 ग्राम्स ऑफ वॉलनट में 105 मिलीग्राम का कैल्शियम होता है। वॉलनट्स में कैल्शियम के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है एग। 100 ग्राम्स ऑफ एग में 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो आप एग रोल बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप एग बॉईल करके भी खा सकते हैं, या फिर आप ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है भिंडी। 100 ग्राम भिंडी में 86 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो आप अपनी डाइट में भिंडी की सब्जी जरूर इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट है आंवला। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आंवले में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ आंवला आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।